हाय वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं चिकन की मोस्ट पॉपुलर और डिलीशियस डिश, जिसका नाम है चिकन 65। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन 65 बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, एक नींबू का रस, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, एक टेबलस्पून चावल का आटा, एक टेबलस्पून मैदा, तीन टेबलस्पून दही, एक टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, रेड फूड कलर, एक अंडा। इसी के साथ हमने इसमें तड़का लगाने के लिए यहाँ पर लिए हैं कड़ी पत्ते और हरी मिर्च। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम चिकन में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा, मैदा और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल हम चिकन को फ्राई करने के वक्त करेंगे। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। एक घंटे के मैरिनेशन के बाद हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें मैदे के साथ चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर ऐड करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें चिकन के पीसेस ऐड करके इन्हें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। अब गैस की फ्लेम को हाई करके इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। चिकन एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। कुछ देर के लिए गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे तेल में से निकाल लेंगे। इसे निकालते वक्त हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। तड़का लगाने के लिए हम ऑयल में ऐड करेंगे हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। इन्हें 5 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इन्हें तेल में से निकाल के चिकन पर ऐड कर देंगे। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी डिलीशियस और क्रिस्पी चिकन 65। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।